25 पता क्या मामला है, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं। 25 बोलिएगा, प्रार्थी की मौसा की जमीन 1989 में बैनामा कराया गया है। बैनामा कराने के उपरांत उनका नाम राजा सबलिक में अंकित हो चुका है। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी जय देवी श्रीवास्तव प्रार्थी की मौसी थी, उनके नाम से राजा सबलिक में दर्ज किया गया है। मौसी की, हमारे मौसी की कोई संतान ना होने के कारण प्रार्थी के पक्ष में 10/10/2006 को प्रार्थी के पक्ष में वसूयत कर दिया गया है। वसीयत के आधार पर प्रार्थी का नाम राजा सुलेख में दर्ज किया जा चुका है। प्रार्थी जब अपनी मकान जमीन पर निर्माण कराने जा रहा था, भू माफिया सोनू मिश्रा, अजय कुमार मिश्रा और उनके सहयोगी 4-5 लोग अन्य लोग आके जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, मारपीट करने की धमकी दे रहे हैं। प्रार्थी इसकी सूचना अपने बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर में दिया गया है। उसके उपरांत क्या नाम, माननीय मुख्यमंत्री को भी इसकी सूचना दिया गया है, मिलके एसएसपी को, उच्च अधिकारियों को, सभी लोगों को दिया गया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसमें सहयोग करने वाले क्षेत्राधिकारी महोदय गोरखनाथ और हराव पाठक चौकी इंचार्ज कमलेंद्र सिंह द्वारा भूमाफियों के प्रभाव में कराने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन कितनी है और कहां पर जमीन है? प्रार्थी की जमीन श्रीनारनगर कॉलोनी स्थित मौजा बसारतपुर, रामनगर कॉलोनी, थाना शाहपुर, जिला गोरखपुर में 3276 स्क्वायर फीट में है। खाली जमीन है, खाली जमीन है। पहले उसमें हमारा बाउंड्री वाल था, गेट लगा हुआ था, लेकिन दिनांक 16/6/2024 को सोनू मिश्रा द्वारा बाउंड्री तोड़ के उस पे अवैध निर्माण कराने का प्रयास कर रहे थे। प्रार्थी की जमीन की चौहद्दी दिखाकर 2008 में माया मिश्रा द्वारा हमारी चौहद्दी दिखा के बैनामा कराया गया, जिसका बैनामा कैंसिलेशन सूट हमने माननीय न्यायालय जनपद गोरखपुर में दाखिल किया गया सक्षम न्यायालय में। क्या मांग है? हमारी मांग है कि उन लोगों के विरुद्ध, भूमाफियाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। अभी एसोसिएशन पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से मिलने का प्रयास कर मिलेंगे। मनोज कुमार श्रीवास्तव पुत्र हौसला प्रसाद श्रीवास्तव 1235 उमा भूतरी निकट गोरखनाथ रेलवे क्रॉसिंग थाना गोरखनाथ गोरखपुर।